पश्चिम एशिया बीते 6 महीने से ज़्यादा समय से युद्ध की विभीषिका का दंश झेल रहा है। युद्धग्रस्त इलाकों की अगर बात करें तो हालात बेहद दयनीय हो गए हैं। इसी बीच इसराइल और ईरान का टकराव शुरू होने से हालात और भी चिंताजनक दिशा में मुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे हुए भारतीय लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय भी लगातार इस हालात पर नजर बनाए हुए है और ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो इसराइल के किसी भी ऐसे प्रयास का साझेदार नहीं बनेगा जिसके तहत ईरान पर जवाबी कार्रवाई की योजना हो। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 2 टूक संदेश दिया कि तनाव बढ़ाने वाले किसी भी फैसले से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। अमेरिका के सख्त तेवरों के बीच रूस और ईरान के रुख की खबर भी सामने आई है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी और ईरानी विदेश मंत्रियों ने मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में हालात के और बिगड़ने को लेकर आगाह किया है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध के हालात बन गए हैं। यूएन अब इस युद्ध को टालने की कोशिश में जुटा हुआ है और इस कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कल यानी कि रविवार को एक रिमाइंडर जारी करते हुए कहा कि इसराइल पर ईरान के हमले के बाद बदले के लिए किया गया बल प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वर्जित है। यानी कि उन्होंने ईरान को ही आगाह किया कि आप गलत कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने सुरक्षा परिषद को चेतावनी दी कि वो तेहरान को संयुक्त राष्ट्र में जवाबदेह ठहराने के लिए काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में बोलते हुए गुटेरेस ने सदस्य देशों से कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के उपयोग पर रोक लगाता है। उन्होंने इसराइल पर ईरान के हमले की निंदा की और अब आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी भी दे दी। ईरान ने शनिवार को इसराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल अटैक किए और इस हमले में के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने ईरान की निंदा भी की थी। अमेरिका ने इसराइल की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं। वहीं गुटेरेस ने बैठक में यह भी कहा कि मध्य पूर्व युद्ध के कागार पर है, क्षेत्र के लोग विनाशकारी संघर्ष के वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं और अब तनाव को कम करने का समय है। संयुक्त राष्ट्र में उप अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने 15 सदस्य निकाय से ईरान के हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करने का आह्वान किया और कहा कि सुरक्षा परिषद का दायित्व है कि वो ईरान के कार्यों पर एक्शन ले। उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अगर ईरान या उसके प्रतिनिधि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या इसराइल के खिलाफ आगे कार्रवाई करते हैं तो इसके लिए ईरान जिम्मेदार होगा। तो एक तरफ संयुक्त राष्ट्र अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि युद्ध ना हो, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इसराइल को समझाइश दी है कि ऐसी स्थिति से बचें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।